इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केजरीवाल की जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बेल से जांच पर असर पड़ेगा। ईडी की तरफ से ये तर्क दिया गया है। शराब नीति में कोर्ट ने केजरीवाल को कल ही जमानत दे दी थी। केजरीवाल की बेल को ईडी की चुनौती जो है वो दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। कल यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल को नियमित जमानत जो है वो दी थी और आज केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन इससे पहले ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक अभी जो है हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो भी शुरू हो चुकी है और अब देखना होगा कि किस तरीके से हाईकोर्ट इस चुनौती पर फैसला जो है वो यहाँ पर सुनवाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केजरीवाल की जमानत को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बेल से जांच पर असर पड़ेगा। ईडी की तरफ से ये तर्क दिया गया है। शराब नीति में कोर्ट ने केजरीवाल को कल ही जमानत दे दी थी। केजरीवाल की बेल को ईडी की चुनौती जो है वो दी गई है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई। कल यानी गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल को नियमित जमानत जो है वो दी थी और आज केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। लेकिन इससे पहले ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक अभी जो है हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो भी शुरू हो चुकी है और अब देखना होगा कि किस तरीके से हाईकोर्ट इस चुनौती पर फैसला जो है वो यहाँ पर सुनवाती है।